हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये चैप्टर इस पर्पस से चूज़ किया है मैंने क्योंकि ऑलरेडी हम 8 चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर चुके हैं, उसके बाद वाले थोड़े से चैप्टर ज्योमेट्री पोर्शन के हैं वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 और 15 के एमसीक्यूज। ये चैप्टर जो है आपका, अगर ये एमसीक्यूज आप रिवाइज करते हैं तो आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। तो ये चैप्टर के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत स्कोरिंग होती हैं, बहुत इजी होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, तो इसको पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में है, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर एक इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर ऑब्वियसली सी बात है, अगर इवेंट कोई हो ही नहीं सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं इसको। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट या फिर जो इवेंट है वो हो ना सके तो उस पर्टिकुलर इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ पी ऑफ ए, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन। अब पी ए की जो रेंज होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बीच में लाई कर सकती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ लेस देन जीरो। लेस देन जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ग्रेटर देन वन, वन से बड़ी भी नहीं होती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा जीरो और वन के बीच में लाई करती है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और ये इसका आंसर है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो वो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है या उसके बीच में लाई कर सकती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी मैंने आपको बताया, ना तो प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है ना वो वन से बड़ी हो सकती है, मतलब वो जीरो और वन के बीच में लाई करेगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.3, तो ये वैलिड है। दूसरा है 0.1, ये भी वैलिड है। तीसरा है 3%, 3% का मतलब हो गया 3/100, दैट कम्स आउट टू बी 0.03, तो ये भी वैलिड है। लास्ट है 17/16, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0 कुछ समथिंग, तो 1 से बड़ी हो गई। तो उसने क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी ऑफ ई इज 0.005 देन पी ऑफ नॉट ई, तो जब भी नॉट निकालना हो तो हमने क्या करना होता है, 1 से माइनस करना होता है ये प्रॉबिलिटी को, तो 1 में से ये चीज़ हमने माइनस कर दी, तो जब हम माइनस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.995, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसकी सैम्पल स्पेस है जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। क्या बोला उसने, गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 के सिर्फ दो ही नंबर्स हो सकते हैं, 1 या 2, उसमें से भी क्या बोला है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन सा आएगा, सिर्फ 1 आएगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 1/ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब 6 हो गया, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऑड नंबर लेस देन 3, 3 से लेस देन सिर्फ दो ही नंबर है, 1 और 2, जिसमें से एक ही ऑड नंबर है जो कि है 1, तो एक नंबर हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 6 हो गए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो ताश के पत्ते 52 होते हैं टोटल। अब उसमें से प्रोबेबिलिटी बतानी हमने, दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड,
या तो वो रेड कार्ड होना चाहिए या क्वीन होनी चाहिए। अब सबसे पहले जब 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला उसने, या तो रेड कार्ड्स होने चाहिए। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड होते हैं हमारे पास 26 होते हैं। और क्वीन कितनी होती हैं, क्वीन होती हैं 4 टोटल पूरे ताश में। अब 4 में वो भी 2 ब्लैक होती हैं और 2 रेड होती हैं। अब जो 2 रेड हैं वो तो इसी में इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 28। कैसे हुए, 26 रेड जिसमें से 2 रेड क्वीन भी हो गई प्लस 2 ब्लैक क्वीन, 28 हो गए टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। आप 28 बाय 52 को आप 4 के टेबल पे कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 7 सा और 4 13 सा, तो आंसर इज 7/13। इसके एमसीक्यूज करने के लिए आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कौन सी चीज़ कैसे होती है, तो इसके आप सैम्पल स्पेस सभी की लर्न कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर। अब 2 कॉइन्स को जब हमने टॉस करना है तो उसकी सैम्पल स्पेस होती है हमारे पास HH, HT, TH, TT। H स्टैंड्स फॉर हेड और T स्टैंड्स फॉर टेल। जब भी 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो इस तरह से सैम्पल स्पेस बनेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हैं, 4 है, 1 2 3 4, टोटल नंबर 4 है। गेटिंग हेड ऑन बोथ, बोथ हेड सिर्फ एक ही केस में आता है, दोनों हेड यहीं पर आ रहे हैं, तो आंसर क्या है, 1/4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर्स ये 8 था, ये हमारा 9 नंबर है क्वेश्चन। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स में से कितने किंग होते हैं। अब हमारे पास किंग होते के वाला पत्ता, क्वीन था क्यू वाला पत्ता, और 52 में से हमारे पास 4 किंग्स होते हैं, ठीक है। तो 4 किंग्स होते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 52। किंग का ही पूछा था उसने, ना रेड पूछा था ना ब्लैक पूछा था, टोटल किंग्स होते हैं 4, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4/52। इसको कैंसिल आउट कर लो तो आंसर आ गया 1/13, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर फ्रॉम नंबर्स 1 to 100 वॉज चूजन एट रैंडम। एक से लेकर 100 तक नंबर है। अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज प्राइम एंड इज बिटवीन 75 और 85। अब हमें एक रेंज दे दी है, 75 से लेकर 85 तक हमें पहले प्राइम नंबर्स चूज करने हैं। तो आप देखिए 75 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 75 और 85 के बीच में करने हैं। तो सबसे पहला नंबर 76 हुआ, दैट इज नॉट अ प्राइम। 77 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम, 78 भी प्राइम नहीं है। सबसे पहला नंबर आता है प्राइम नंबर 79, देन 80 नॉट अ प्राइम नंबर, 81 नॉट अ प्राइम नंबर, 82 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन आएगा 83 इज अ प्राइम नंबर, फिर 84 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यही दो प्राइम नंबर्स हैं जो कि लाए करती हैं बिटवीन 75 एंड 85। तो यानी कि हमारे पास कितने नंबर हुए टोटल, 2 नंबर हुए डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल नंबर कितने थे 100, तो 2/100 यानी कि 1/50 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड कॉलेज। अब ये कॉलेज एक वर्ड दे रखा है आपको, COLLEGE, ये कॉलेज वर्ड है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल, तो वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स होते हैं। तो इसमें से आप देखो कौन कौन सा वॉवल है, एक ये वॉवल है, एक ये वॉवल है और एक ये वॉवल है, तो 3 वॉवल्स हैं इसमें। 3/ कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3/7 जो है इसका आंसर है, ठीक है। आपको इस तरह से कोई भी वर्ड दिया जा सकता है और इसमें से वॉवल्स चूज करने हैं आपने, इस तरह से आंसर को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। तो इंग्लिश अल्फाबेट के टोटल लेटर्स कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं, ये तो सभी को ही पता है। द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, तो जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं 26, उसमें से हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको,
AEIOU, ये पांच वॉवल्स हैं। और हमारे पास अगर पांच वॉवल्स हैं तो 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो बाकी बच गए उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो इस केस में हमें बोला है कि लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी कि 21 कॉन्सोनेंट हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, यानी कि 26 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है द प्रोबेबिलिटी दैट चूज़न लेटर इज अ वॉवल, तो वॉवल पूछा जाएगा तो 5/26 आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉक्स कंटेन्स 5 red, 4 green, 7 white balls, तो एक बॉक्स में इतनी सारी बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल बॉल्स हो गई हमारे पास 5 + 4 + 7, यानी कि 9 + 7 = 16 बॉल्स है एक बॉक्स में। एक बॉल, वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम बॉक्स, वन बॉल उठाई आपने, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नाइदर रेड नॉर वाइट, उसमें से जो बॉल उठाई है ना तो वो रेड होनी चाहिए ना ही वाइट होनी चाहिए, तो ना वो रेड होनी चाहिए ना वो वाइट होनी चाहिए, तो कौन सी हो सकती है, फिर ग्रीन ही हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास, कितनी बॉल्स हैं ग्रीन कलर की, 4 green balls हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि 16, तो आंसर क्या आ गया, 1/4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉक्स कंटेन्स 19 बॉल्स बेयरिंग नंबर्स 1, 2, 3 to 19, तो 19 बॉल्स हैं उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द नंबर ऑफ बॉल इज डिविजिबल बाय 3 या 5, तो जो बॉल है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3 या 5, तो कौन से नंबर वाली बॉल 3 से डिविजिबल होगी, 3 से डिविजिबल होने वाली जो बॉल्स होंगी वो इस तरह से होंगी 3, 6, 9, 12, 15 and 18, इस रेंज में ये नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं दैट आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही 5 वाली लिख लो, 5, 10 और 15, ठीक है। अब यहाँ पर 15 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही बार हमने लेना है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 19 है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है ना अब हमने, तो प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 19। अब काउंट कर लो इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 नंबर वाली बॉल ऑलरेडी काउंटेड है इसलिए इसको एक ही बार लेना है, तो कितना आ गया, 8/19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 प्लैंक्स, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हो गया हमारे पास 10 + 25, यानी कि हो गया 35, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, तो कितने प्राइज हैं, 10 प्राइजेस हैं, तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी कि 35, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। कटिंग करेंगे 5 के टेबल पे, तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ 400 बल्ब्स इन अ बॉक्स, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं बॉक्स में हमारे पास, टोटल है हमारे पास 400, जिसमें से 15 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव जो हैं वो कितने हैं, 15 हैं, तो नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, नॉट डिफेक्टिव हो जाएंगे 400 - 15, यानी कि 385, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बल्ब इज टेकन फ्रॉम बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि नॉट डिफेक्टिव हैं, तो कितने बल्ब्स नॉट डिफेक्टिव हैं, 385 बल्ब्स जो हैं वो नॉट डिफेक्टिव हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, इसको डिवाइड कर लो 5 के टेबल पे, कटिंग करेंगे तो 7/80 आ जाएगा, यानी कि 77/80, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो जब भी 2 dice हम थ्रो करते हैं, एक डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं, 6, दूसरे डाइस के भी 6 हो गए, तो जब हम इसके आउटकम्स टोटल करते हैं तो हमेशा 2 dice के जो आउटकम्स होते हैं That comes out to be 36. कैसे लिखते हैं हम इसको, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से हम 36 आउटकम्स इसके लिखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5, तो उन आउटकम्स में से आपसे देखना है कि किस किस का टोटल जो है वो 5 बन रहा है। अब मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको,
2, 3 का टोटल कितना बन रहा है 5, ऐसे ही 3, 2, ऐसे ही 1, 4 और 4, 1, ऐसे चार ही आउटकम्स हैं जिनका टोटल जो है वो कितना बनता है 5 बनता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4/36 यानी कि 1/9। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर है नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, दीज आर अवर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब द प्रोबेबिलिटी नंबर इज ऑड होना चाहिए और साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें से हम पहले ऑड नंबर चूज कर लेते हैं। तो ऑड कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसमें से ऑड होना चाहिए और साथ ही परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऑड एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑड है 1, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 का 1 परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। तो दो ही ऐसे नंबर्स हैं जो ऑड भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं। तो दो नंबर्स हो गए ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/ कितने टोटल नंबर्स थे, 10 टोटल नंबर्स थे। तो आंसर क्या आ गया, 1/5 हो गए। तो दो ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि ऑड भी हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं। तो 2/ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 10, दैट इज 1/5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑफ ईच डाइस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया था, अ पेयर ऑफ डाइस का मतलब है दो डाइस को थ्रो किया। दो डाइस को जब हमने थ्रो किया तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब उसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑफ ईच डाइस। तो सेम नंबर 6 आउटकम्स में होगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। तो 6 ही ऐसे आउटकम्स होंगे जिनमें सेम नंबर आएगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/36। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। अब नॉट डिविजिबल वाले वे तो बहुत सारे होंगे, तो अब हम वो देख लेते हैं जो कि डिविजिबल हैं 1 to 100 के बीच में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 7 वाले कौन से हैं। तो कौन कौन से होंगे, 7, 14, 21, यानी कि 7 का आपको टेबल लिखना है, 28, 35, देन इज 42, 49, 7, 8 ज़ा 56, 7, 9 ज़ा 63, 7, 10 ज़ा 70, उसके बाद 77, देन उसके बाद 84, देन उसके बाद 91 एंड लास्ट इज 98, यानी कि 1 से लेकर 100 तक इतने नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल हैं। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो 14 नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिविजिबल हैं 7 से। तो नॉट डिविजिबल बाय 7 से कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर कितने हैं, 100, उसमें से 14 जो हैं वो डिविजिबल बाय 7 हैं। तो उसको माइनस कर लेते हैं तो वी विल गेट 86, यानी कि 86 नंबर्स ऐसे हैं, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 7। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो कितनी हो गई, 86 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यानी कि 100। इसको कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल पे, दैट इज 43/50, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी नॉट डिविजिबल बाय आए तो आपने डिविजिबल बाय देख लेने हैं, उसको माइनस कर देना है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो।